आर्टिकल 29 में लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज ये एक फंडामेंटल राइट right है सॉइल है रेगुर सॉइल जिसको ब्लैक सॉइल भी बोलते हैं फॉर कॉटन कल्टीवेशन माउंटेन रेंज है विंध्यान माउंटेन रेंज जो सेपरेट करता है इंडो गैंगेटिक प्लेन को डेकन प्लेटू से आज के सवाल हैं ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया विच मूवमेंट स्टार्टेड विद डांडी डांडी मार्च विच इवेंट इज रिलेटेड टू गोकुलस तेजपाल संस्कृत पाठशाला ली कमीशन वॉज अपॉइंटेड इन विच ईयर और ये कमीशन किसके लिए था ये भी बताइए मुदिमन कमिटी वॉज अपॉइंटेड इन विच ईयर और ये कमिटी भी किसके लिए थी टेल वॉट वॉज द शेयर ऑफ जमींदार इन द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम सो दीज आर फाइव क्वेश्चन फॉर टूडे आज की वोकेबलरी है वेरी मतलब सावधान है फीलिंग और शोइंग कॉशन अबाउट पॉसिबल डेंजर्स और प्रॉब्लम्स टॉर्पिट का मतलब होता है सुस्ती लेथार्जिक स्लगिश इनएक्टिव प्रिकरियस का मतलब होता है अनिश्चित नॉट सेफ स्ट्रॉन्ग और स्टडी फोर सी मतलब पूर्वानुमान इमोल्यूमेंट का मतलब होता है वेतन अ सैलरी फी और प्रॉफिट फ्रॉम एम्प्लॉयमेंट और ऑफिस

इंडिया रीचेज आउट टू यूक्रेन नेशनल्स तेजस इन सिंगापोर एंड दैन स्कैंटी स्नो फॉल कुछ सिग्नल कश्मीर वार्निंग क्लाइमेट दिस इज राफेल जेट अर्बन गवर्नेंस बाइडन वॉन्स पुतिन दिस इज सोलोमन आईलैंड म्यांमार हुता ऑस्ट्रेलिया के साथ पैक्ट माइक्रोनेशिया विल सी दिस मैप तुर्कमेनिस्तान श्रीलंका आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी है असिमटमेटिक्स स्नैपशॉट दिस इज अव ऑरिगेमी न्यू मटेरियल एक रिसर्च है वाइल्ड ऑरेंजेस आई ऑन डेफिसिट एसेंशियल प्रैक्टिस टेस्ट एम आर एन ए वैक्सीनेशन क्या होती है विल गेट टू नो देन दिस इज अफ्रीका में कू मिस्टर राहुल बजाज ओ एन जी सी एंड कोल इंडिया और फिर आज स्पेशल है सिंकिंग सुंदर बंस ऑल राइट सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्विकली इन नेक्स्ट अबाउट थर्टी फाइव टू फोर्टी मिनट्स ऑल राइट सी अब जो कोर्स रिलेटेड है तो जॉइन कॉम्युनिकेट फॉर्म लैंग्वेज ईयर प्रोसीजर हमने पहले बात कर लिया है कल गूगल मीट में दिन भर बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने बात किया एक इशू आ रहा है वो ये है कि वेन आई एम कॉलिंग यू सम ऑफ यू उस टाइम पे लाइक ऑफिस में हैं या फिर मीटिंग या फिर ट्रैवलिंग या फिर सम अदर इम्पोर्टेंट वर्क तो ये एफिशेंटली नहीं हो पाया सो लेट लेटस डू वन थिंग टाइम स्लॉट फिक्स कर लेते हैं आज आठ से दस के बीच में लेट लेटस डू इट एवरी डे एट पी एम टू टेन पी एम के बीच में इसको ऑन डिमांड कर लेते हैं यू जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज और मैं क्विकली यहाँ पे गूगल मीट का सेशन आपके साथ कंडक्ट कर लूँगा ओके सो इस तरीके से अपन एफिशेंटली इसको क्विकली कवर कर पाएंगे देन व्हाट्सएप में आई नेवर सेट कि वी आर गोइंग टू मेक ग्रुप्स व्हाट्सएप ग्रुप में देखिए दो प्रॉब्लम आता है अगर देर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ना तो उसको मॉडरेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सेकेंड व्हाट्सएप ग्रुप अगर ज्वाइन करते हैं तो उसमें आपका नंबर भी वहाँ विजिबल होता है मैनी ऑफ यू विल नॉट फील कम्फर्टेबल विद दिस सो द पॉइंट इज कोई व्हाट्सएप ग्रुप अपन नहीं बना रहे जो कॉम्युनिकेशन होगा उसके लिए जो जी मेल है वो मोर देन सफिशेंट है बाकी जो रेगुलर टॉक्स है वो मैं अपना जो ऑफिशियल टेलीग्राम का चैनल है उसमें मैं आपको प्रोवाइड करी दूंगा ओके सो लेट इज डू दिस थिंग फॉर टूडे एट टू टेन ये सेशन क्विकली है और कल से अपन स्टार्ट कर रहे हैं दिस सी सेट का क्रैश कोर्स ये जो कोर्स होगा ये अराउंड फोर्टी फोर्टी फाइव डेज में वी विल कवर और फिर इसके बाद अपन ये डेली क्विज का लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे और इस पूरे ड्यूरेशन में इन बिटवीन हम ये सारी चीज़ें करेंगे ऑल राइट सो दिस इज़ द प्लान नाउ लेट अस कम बैक टू द न्यूज़पेपर। एक और चीज़ है कल के जो डेटा था आईआईपी का उसमें एक्चुअली क्या है पहले सी होता था सी और एन होता था इन दोनों को मर्ज कर दिया गया और बना दिया एन तो एन के अंदर सी और एन मर्ज हो गए और एन आता है एम के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन तो अगर जैसे सवाल ये आए कि जो आई का डेटा है वो क्या एम मिनिस्ट्री रिलीज़ करती है तो ये गलत नहीं होगा एम मिनिस्ट्री ही रिलीज़ करती है और फिर देन एन और ये पहले होते थे सी और एन इन दोनों को मर्ज करके बन गया है एन ओके नाउ लेट लेटेस्ट कम बैक टू दिस न्यूज़पेपर चाइना वॉयलेटेड रिटर्न प्लेजेस मिस्टर जयशंकर साहब ने का अब ये जो आर्टिकल है ना ये इंटरनेशनल रिलेशंस का है तो जब भी आई आर की बात होती है हमको एक चीज़ बहुत ध्यान रखना होता है वो होता है लैंग्वेज का बिकॉज़ आई आर में चॉइस ऑफ वर्ड्स लैंग्वेज टोन ये बड़ा मैटर करता है सो दिस इज़ हाई लेवल एक्सचेंजेस एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर विद ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर दिस इन मेलबॉर्न सी जो चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास ह्यूज अमाउंट में ह्यूज नंबर में ट्रूप्स का डिप्लॉयमेंट किया दिस इज़ अ वॉलेशन ऑफ इट्स रिटर्न कमिटमेंट कि पीसफुल रखना है एल को उसके अगेंस्ट था कमेंट्स जो है वो ये थे कि जो ग्लोबल कंसर्न है अभी यूक्रेन में जैसे रशिया और नाटो की जो फोर्सेज है बहुत ज़्यादा फोर्सेज यहाँ पे डिप्लॉयड है बॉर्डर के अक्रॉस और आज सुबह न्यूज़ भी आ रही थी कि टेंशन एस्केलेट हो सकता है सो दिस इज़ अ कॉज ऑफ वरी अब इंडिया वॉज ऑन द सेम पेज एज़ वेस्टर्न कंट्रीज़ ऑन द सिचुएशन इन यूक्रेन ये एक बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है वेदर इंडिया वॉज ऑन द सेम पेज इंडिया के लिए बड़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो गई है एक तरफ रशिया है जो हमारा मेजर डिफेंस पार्टनर है ट्राइड एंड टेस्टेड फ्रेंडशिप हम बोलते हैं और दूसरी तरफ नाटो है नाटो में यूएस यूरोप ये सारे हैं और यहाँ अगर फाइट होता है यूक्रेन के ऊपर तो इंडिया के लिए साइड्स चूज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा सो यू एस डिक्लेयर करता है रशियन इन्वेजन एट एनी टाइम ही कॉल फॉर डिप्लोमेसी टू वर्क तो सी अभी भी हमने कुछ क्लियर कट बोला नहीं है यू एस डिमांड करेगा हमसे कि हम साइड्स चूज करें अगर ऐसा क्लैश होता है बट एट एनी टाइम ही कॉल फॉर डिप्लोमेसी टू वर्क तो अभी क्लियर कट कुछ बोला नहीं है हमने लेट द डिप्लोमेसी में क्या होता है सी बट ये ग्लोबल कंसर्न है कोशिश अभी यही होनी चाहिए कि यूक्रेन क्राइसिस को अवर्ट किया जाए मीन जो चाइना की पोजीशन होती है एल में भी ये भी एक सीरियस थ्रेट है चाइना का जो स्टेटमेंट आया क्वाड के लिए वो भी अनफॉर्चुनेट है चाइना ने कहा कि क्वाड फोरम है ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान और यू का वो प्राइमरली एक टूल है टू कंटेन चाइना विच इज़ रॉन्ग बिकॉज जो क्वाड है क्वाड इज़ नॉट अबाउट चाइना क्वाड इज़ अबाउट पीस प्रॉस्पेरिटी स्टेबिलिटी इन द रीजन तो हम जो लिखेंगे ना हम यही लिखेंगे क्वार्ड्स पर्पज इज़ पीस प्रॉस्पैरिटी एंड स्टेबिलिटी इन द रीजन ऐसा स्टेटमेंट नहीं लिखना है कि हम क्वार्ड कर रहे हैं टू कंटेन चाइना और टू काउंटर चाइना लाइक दैट नो चाइना इज़ नॉट अवर प्रायोरिटी. वी आर एन इंडिपेंडेंट जो कंट्रीज हैं लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं ये अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं और हमारा इंटरेस्ट चाइना नहीं हमारा इंटरेस्ट है पीस प्रॉस्पैरिटी स्टेबिलिटी इन द रीजन हमारा जो रिकॉर्ड है एक्शंस है स्टांस है वो बहुत क्लियर है क्रिटिसाइजिंग देम रिपीटेडली इट डजन मेक लेस क्रेडिबल तो ये चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर के रेस्पॉन्स में दिस स्पोक्स पर्सन ने ये बताया तो लेट अस सी अब इसमें आगे क्या डेवलपमेंट होता है तो यहाँ दो टेक अवेज है एक तो यूक्रेन क्राइसिस में अगर होता है तो इंडिया साइड्स कैसे चूज करेगा दूसरा चाइना भी एक थ्रेट है एल में जो टेंशनस हुए और जो क्वाड है क्वाड इज़ नॉट अबाउट चाइना क्वाड इज़ अबाउट पीस प्रोस्पैरिटी स्टेबिलिटी इन द रीजन हाई लेवल एक्सचेंजेस अब ये जैसे ऑस्ट्रेलिया है ना तो चाइना और ऑस्ट्रेलिया के बीच में भी ज़्यादा बन नहीं रही है टेंशनस हैं यहाँ पे सो दिस इज़ दैर

टू assist ऑफिशियल्स विद प्रोजेक्ट्स एंड प्लान्स अब ये क्या है एक टैम्पलेट है इस न्यूज़ टैम्पलेट को आप डिस्कशन में आंसर राइटिंग में इंटरव्यू में हर जगह यूज़ कर सकते हो जैसे हमने एथिक्स का भी एक आंसर देखा था कि अगर पॉलिटिक्स में भी जैसे यूथ आएगा फ़्रेश एनर्जी फ्रेश माइंड आएगा आइडियाज़ आएगा तो हम एक चेंज ला सकते हैं सो दिस इज़ गुड एनवायरमेंट का जो फ़ाइट है उसमें भी अगर यंग मैन एंड वूमेन असिस्ट करेंगे तो हम एक बेटर फाइट प्रजेंट कर सकते हैं सो दिस इज़ दैट रेसिडेंस फाइल कंप्लेंट ओवर दिस ट्रे डॉग्स पोस्टमार्टम रिपोर्ट का यहाँ पे बात है सो दिस इज दिस सेकेंड पेज थर्ड पेज है देन दिस इज अबाउट डब्लू एफ पी बीच में पॉलिटिकल न्यूज थी काफ़ी सारी डब्ल्यू एफ पी टू अलॉट इंडियन वीट इन अफगानिस्तान दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इंडिया ने साइन किया अग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन की विंग से वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस जो अफ़गानिस्तान है अफ़ग़ानिस्तान में तालिबान टेक ओवर हुआ तो अफ़ग़ानिस्तान बिकॉज वैसे ही इतना टाइम से वॉर टोन कंट्री रहा है तो यहाँ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो है अब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस को ओवरकम करने के लिए वर्ल्ड से एड जाती है हेल्प आती है अब बिकॉज़ तालिबान का टेक ओवर हो गया तो वो जो फॉर्मल चैनल के थ्रू हेल्प आ रही थी वो बंद हो गई तो अभी तरीका ढूंढा जा रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस कैसे प्रोवाइड किया जाए इंडिया ने साइन किया अग्रीमेंट यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से डिस्ट्रीब्यूशन है फिफ्टी थाउजेंड टनस ऑफ व्हीट अफगानिस्तान में हम भेजेंगे एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंडिया अभी भी तालिबान गवर्नमेंट को रिकोगनाइज़ नहीं करता है बट बिकॉज ये एक्स्ट्रा सिचुएशन है ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है दैट इज़ वाई हम ये स्टेप ले रहे हैं अब डिप्लोमेटिक एफर्ट्स ऑलरेडी चल रहे हैं कि हम जो कॉन्वॉय है वो वाया पाकिस्तान सेंड कर पाएँ ट्रांसपोर्ट जो है वो बिगिन आफ्टर पंजाब इलेक्शन फेबररी ट्वेंटी अफगानिस्तान के साथ प्रॉब्लम ये है कि ऑल दो तो हम बॉर्डर शेयर करते हैं बट राइट नाउ अभी हमारे पास उसका एक्सेस नहीं है सो दैट इज़ वाई वी आर डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान टू सेंड दिस एड सो दैट इज़ वाई वहाँ पर अभी बात चल रही है तो डब्लू एफ पी का हेडक्वाटर कहाँ पर है रोम में है लैंडमार्क अग्रीमेंट है डब्लू एफ पी ने कहा थैंकिंग इंडिया फॉर द जनरस कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वीट इन सपोर्ट ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान फेसिंग सीवियर फूड शॉर्टेज ये जो डब्ल्यू एफ पी है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है इसने नोबेल प्राइज भी जीता था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ह्यूमेनिटेरियन एड ऑर्गेनाइजेशन ये बेसिकली फूड असटेंस ब्रांच है यूनाइट नेशन का वर्ल्ड का सबसे बड़ा ह्यूमेनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है हंगर भुखमरी और फूड सिक्योरिटी के लिए ये प्राइमरली वर्क करता है नाइनटीन सिक्सटी वन में बनी थी रोम इसका हेडकोार्टर है 1961 सो दिस इज पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन इज द यूनाइटेड नेशंस बाकी इसकी सब्सिडरी है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड फूड तो दिस इज़ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इसकी हेल्प से हम डायरेक्टली नहीं पहुंचा रहे हैं ह्यूमेिटेरियन असटेंस डब्ल्यू रूट के थ्रू हम ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अफगानिस्तान को देंगे डब्ल्यू एफ जो है ना ये खुद का भी लॉजिस्टिक्स नेटवर्क रखती है प्रोवाइड कराने का एड्स अफगानिस्तान में भी है वहाँ सिविल सोसाइटी ग्रुप्स भी है तो एक कैंपेन भी चल रहा है वहाँ पे फूड प्रोवाइड करने के लिए बिकॉज़ पॉपुलेशन अफ़गानिस्तान की फेस कर रही है माल न्यूट्रिशन और अभी विंटर्स के टाइम पे भी हमने देखा था स्टारवेशन रिलेटेड डेथ्स के भी ऐसी रिपोर्टिंग आई थी तो बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन भी टाइम है और सिचुएशन भी यहाँ पे अनस्टेबल थी तो इधर टाइम लगा बट फॉर नाउ हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन वीट अब जाएगा अफगानिस्तान में एज अ एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस ओके अब जो नेक्स्ट है वो है इंडिया रीचेज आउट टू नेशनल इन यूक्रेन यूक्रेन क्राइसिस बढ़ रहा है इट गियर्स अप फॉर पॉसिबल इवेकुएशन कोई भी कंट्री होती है वो अपने सिटीजन्स को हमेशा प्रोटेक्ट करती है ये चीज़ हमने पहले भी देखा था यमन क्राइसिस हुआ हमने सिटीजन्स इवैकुएट किए गल्फ़ क्राइसिस हुआ हमने सिटीजन्स इवेक्यूएट किए अभी जैसे यूक्रेन में भी अगर चीज़ें वर्जन होती है फाइट होता है तो फिर अगेन इंडियन गवर्नमेंट का रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा हम सारे इंडियन सिटीजन्स को वहां से इवैकुएट करेंगे जैसे अफगानिस्तान से इवैकुएट किया था सो दिस इज देर अब ये है इंडियन एयरफोर्स का तेजस तेजस इंडिजीनस है हम तेजस को पिच करेंगे सेल करने की कोशिश करेंगे इंडिजीनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क वन को कहाँ पर सिंगापुर एयर फोर्स शो में सिंगापुर एयर शो नेक्स्ट वीक तो दिस इज़ अगेन गुड न्यूज़ इसके अलावा और भी यहाँ पे फाइटर प्लेट प्लेन्स यहाँ पर डिमॉन्सट्रेशन देंगे तो इंडियन एयरफोर्स ने पार्टिसिपेट किया था सिमिलर एयर शो लाइक लीमा 2019 इन मलेशिया एंड दुबई एक्चुअली जैसे इंडिया में भी बैंगलोर में एरो सर, एरो दिस होता है शो होता है एरो शो होता है जिसमें पूरे वर्ल्ड के डिफरेंट फाइटर पायलट्स भी आते हैं और डिफरेंट दिस एक्टिविटीज़ वग़ैरह भी होती है सो दिस इज़ अ गुड थिंग इससे क्या डेमॉन्स्ट्रेशन भी मिलता है केपेबिलिटीज़ भी पता चलती है और एक प्लेटफॉर्म मिलता है वर्ल्ड लेवल पे अपने इक्विपमेंट्स को शो करने का इससे क्या हम सेल करने में भी ईजी होगा हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं इन अपकमिंग टाइम्स दिस एयरफोर्स के तेजस का सो दिस इज़ पेज नंबर सेवन अब जो नेक्स्ट है दिस इज़ पॉलिटिकल नाउ दिस इज कैंटी स्नोफॉल फॉल सिग्नल कश्मीर वार्निंग वार्मिंग क्लाइमेट अपसी कश्मीर में भी क्या हो रहा है जो हर जगह हो रहा है रिसोर्सेज लैंड लिमिटेड है बट पॉपुलेशन का राइज है पॉपुलेशन राइज है मतलब जैसे हंड्रेड यूनिट रिसोर्सेज थे उसके लिए पहले दस पॉपुलेशन थी अब हंड्रेड यूनिट्स रिसोर्सेज तो उतने ही है इनफैक्ट कम हो रहे हैं बट पॉपुलेशन बढ़ के हंड्रेड हो गई तो क्या होगा पर कैपिटा कम हो जाएगा और इस रिसोर्सेज पे बर्डन बढ़ जाएगा तो इससे क्या होता है कार्बन फुटप्रिंट बढ़ता है और उससे ग्लोबल क्लाइमेट चेंज है वो वर्जन होता है स्पीड अप होता है श्रीनगर में भी यही हो रहा है वेट स्पेल्स कम थे फ्लावर्स ब्लूम अर्ली ये जो विंटर्स थी तो अभी फ्लावर्स नहीं आने थे फ्लावर्स एक आध महीने बाद आने चाहिए जब थोड़ा ठंड कम होगी बट तो ठंड पहले गर्मी पहले आ रही है तो फ्लावर्स ब्लूम अर्ली सी तो दिस इज प्रीवियस फोर इयर्स में वेदर एक्सपर्ट्स ने प्रेडिक्ट किया है मोर वार्म कोल्डर वंथ अनलाइक इन द पास्ट इंडियन मेटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बोल रहा है ये टर्म है जो याद रखना है चिल्ई ये क्या होता है विंटर्स का हार्शेस्ट स्पेल होता है एक बहुत सीवियर विंटर होती है इस ड्यूरेशन में जिस विच इज़ कॉल्ड चिलाई काला ये एक वेट स्पेल भी होता है नो स्नो स्नोफॉल हुआ 2021 में 2020 में भी कम हुआ स्नो फॉल टू थाउजेंड एंड सो वेदर जो है पैटर्न यहाँ पे श्रीनगर में चेंज हो रहा है अर्ली स्प्राउटिंग विजिबल है दिस ईयर श्रीनगर विटनेस कर रहा है सीजनल वेरिएशन भी स्प्रिंग लाइक वेदर अभी हेड कर रहे हैं हम जबकि अभी फेबररी ही चल रहा है और वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज भी प्रेसिपिटेशन एज रेनफॉल देन स्नो इन श्रीनगर तो यहाँ पूरा जो क्लाइमेट है वो चेंज हो रहा है श्रीनगर में अब इससे क्या होगा एक रीज़न तो ये भी है क्लाइमेट चेंज का कि यहाँ कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जो है वो यूज़ हो रही है ओवरऑल कैरिंग कैपेसिटी जो है वो एक्सीड हो गई है कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है अगेन हंड्रेड यूनिट रिसोर्सेज थे तो वो दस लोगों के लिए थे बट अब दस की जगह सौ लोग हो गए तो कैरिंग कैपेसिटी ओवरकम हो गई देन इसके बाद जो श्रीनगर की पॉपुलेशन है सी उधर भी नंबर्स बढ़े हीट बजट जनरेटेड बाय श्रीनगर हैज गॉन अप ड्यू टू रैपिड अर्बनाइजेशन डिप्लीटिंग ग्रीन कवर एंड इनक्रीज वेहक्यूलर एमिशन तो इससे ओवरऑल टेम्परेचर राइज हो रहा है तो ये वेरिएबिलिटी है कश्मीर वैली का दिस इज द तो जो क्लाइमेट चेंज है ना ये चाहे इंडिया के कोस्टल रीजन देखो या फिर हिमालयन रीजन देखो एवरीवेयर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट वहाँ पे क्लियरली विजिबल है ये लास्ट बैच है रफेल जेट का टू अराइव नेक्स्ट वीक और इसी के साथ 36 रफेल्स अपने पास पूरे आ जाएंगे इसमें इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट भी है एयरक्राफ्ट में लगाया गया है सो 13 इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट इसमें होंगे रफेल जेट्स में जो फर्स्ट था रफेल वो जो स्क्वाड्रन था वो था नंबर सेवनटीन गोल्डन एरो सेप्टेम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी में आया था देन इसका बेस अम्बाला में है सेकेंड स्क्वाड्रन बेस्ड है हासीमारा इन वेस्ट बंगाल में जो लास्ट जुलाई से एक्टिवेट हुआ तो ये राफेल जेट्स हैं राफेल किस जनरेशन का प्लेन है आंसर जैसे फोर्थ जनरेशन या फिर फिफ्थ जनरेशन लाइक दैट रफेल जेट्स देन अर्बन गवर्नेंस प्लान्स नीड लिंकेजेस अर्बन गवर्नेंस बहुत जरूरी है इसी पे अभी एक बार पहले भी हमने किया इसको रिविजिट करेंगे सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अर्बन गवर्नेंस ये मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बाइडेन वॉन्स पुतिन ऑफ सीवियर कॉस्ट सी यहाँ पे भी अभी चल रहा है लेटेसी टेंशन यहाँ पे एस्केलेट हो रहा है दोनों कंट्रीज में लेटेसी वॉरशिप चेस्ड ऑफ यूएस सबमरीन्स क्लेम्स रशिया बीजिंग China. China, China के पास चेक बुक पैसा है चेक बुक डिप्लोमेसी होता है तो वो जो पैसिफिक नेशन की कंट्रीज है उनको लाइक डेट ट्रैप में फंसा के उनके ऊपर जो उनकी लैंड है वो ग्रैबिंग टेक्टिक्स भी होती है तो बीजिंग इज ट्राइंग जैसे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी हमने देखा था इज ट्राइंग टू मेक स्ट्रेटेजिक बेसिस इन पैसिफिक नेशन तो दैट इज वाई यूएस अब उसको काउंटर करने के लिए सोलोमन आइलैंड को हेल्प करेगा सिटीजन टेक टू ऑस्ट्रेलियन स्ट्रीट्स दिस इज अबाउट कैपिटल कैनबरा में लार्जली पीसफुल एक्ट हुआ वैक्सीन मैंडेट म्यांमार की हुटा टू फ्री प्रिजनर्स दिस इज अ गुड न्यूज माइक्रोनेशियन स्टेट्स टू स्टे इन पैसिफिक ब्लॉक ये जो तीन टर्म है ना माइक्रोनेशिया पॉलिनेशिया ये काफी न्यूज में बने रहते हैं इनको क्विकली देखते हैं जैसे ये जो एरिया है ये क्या है ऑस्ट्रेलिया है ऊपर ये पूरा इंडोनेशिया ग्रुप आ गया दिस इज पापुआ न्यू गिनी और दिस इज माइक्रोनेशिया ये मेलानेशिया और नीचे है पॉलिनेशिया ये पॉलिनेशिया मेलानशिया माइक्रोनेशिया ये तीन है माइक्रोनेशिया मेलानशिया एंड पॉलिनेशिया माइक्रोनेशिया ये वाला जोन होता है जिसमें पलाऊ मार्शल आइलैंड किराबाती ये सारे जो आइलैंड्स है गुआम आइलैंड्स ये सारे जो हैं वो आते हैं माइक्रोनेशिया में माइक्रोनेशिया फिर इधर ये मेलानेशिया आता है न्यू कैलेडोनिया देन पॉलिनेशिया इधर इस साइड स्प्रेड है न्यूजीलैंड के ऊपर तो माइक्रोनेशिया मेलानेशिया एंड पॉलिनेशिया दीज आर थ्री ग्रुप्स तो फाइव माइक्रोनेशियन नेशनस हैं उन्होंने ब्रेकअवे प्लान था पैसिफिक आइलैंड पॉलिटिकल ब्लॉक से वो कैंसिल कर दिया है जो ये स्टेट्स है वो पैसिफिक ब्लॉक में ही रहेंगे सो so, इधर है माइक्रोनेशिया किरिबाती मार्शल आइलैंड नाउरू एंड पलाव ये टेम्परली इन्होंने विड्रॉवल का प्लान छोड़ दिया है पैसिफिक ग्रुप में ही ये रहेंगे तुर्कमेनिस्तान में अभी हमने देखा था ट्रबल था टू होल्ड पोल्स आफ्टर हिंडस ऑफ सक्सेशन प्लान श्रीलंका बैन स्ट्राइक्स एज यूनियन क्रिपल्स हॉस्पिटल स्ट्राइक्स अब ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फर्स्ट जो न्यूज़ है अगेन कोविड रिलेटेड है स्टडी फाइंड हाई वायरल शेडिंग इन असिमटमेटिक पीपल तो दिस इज वन थ्योरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में स्नैपशॉट दो है ऑप्टिमिस्टिक आउटलुक है अगेन यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो है इसने ऑप्टिमिस्टिकली बताया पेरिस अग्रीमेंट का जो गोल है ग्लोबल वार्मिंग को लेस देन टू डिग्री सेंटीग्रेड तक रिस्ट्रिक्ट करने का अबव प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर वो विद इन रीच है जैसे प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर टेम्परेचर जिसे से थर्टी डिग्री सेंटीग्रेड था प्री इंडस्ट्रियल लेवल और अभी इंडस्ट्रियलाइज तो हो गए 200 साल से ज्यादा हो गए अभी हमें दो डिग्री से ज्यादा राइज नहीं होना चाहिए इस पूरे ड्यूरेशन में ये पेरिस अग्रीमेंट है टू डिग्री सेल्सियस के अंदर ही रखना है ग्लोबल वार्मिंग को ज्यादा नहीं प्री इंडस्ट्रियल लेवल पे जो टेम्परेचर था उससे टू डिग्री के अंदर अंदर रखना है ग्लोबल वार्मिंग को ये जो टारगेट है ये अभी भी विद इन रीच है सो दिस इज सम रिलीफ ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं दे सो मेनी प्रॉब्लम्स सो दिस इज देयर अब नेक्स्ट है प्रोक्मा थर्ड प्लैनेट ये एक्जो प्लैनेट है आउटर स्पेस में प्रोक्सिमा सेंटाउरी सन्स नियरेस्ट स्टार नेबर है फोर लाइट ईयर दूर है मतलब लाइट को यहाँ ट्रेवल करने के लिए चार साल लग जाएंगे स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है आंसर फोर लाइट ईयर्स तो इसका ये नाम रखा है थर्ड प्लानट यहाँ पे मिला है सी हम कंटिन्यूअसली ट्राई कर रहे हैं जो स्पेस है ये हमें काफ़ी फैसिनेटिंग लगता है हम सोचते हैं कि कोई हैबिटेबल जोन है आउटर स्पेस में या फिर हमारी तरह कोई इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट होता है या नहीं होता है होता तो है डेफिनेटली होना चाहिए एलियंस जो हैं सम फॉर्म शुड एग्जिस्ट होना चाहिए उनको बिकॉज यू नो अर्थ इज जस्ट अ प्लानट वो भी सोलर सिस्टम में है इस सोलर सिस्टम में सन जैसे सोलर सिस्टम बिकॉज ऑफ सन है और फिर ये मिल्की वे गैलेक्सी में मिल्की वे गैलेक्सी में सन जैसे कितने स्टार्स हैं देन मिल्की वे जैसी कितनी सारी गैलेक्सीज है सो देर इज़ अ फेयर पॉसिबिलिटी की एलियन लाइफ एग्जिस्ट होनी चाहिए सो so, हम ट्राई करते रहते हैं ढूंढने का देन ऐसे ही एक है ऊसा मेजर ये क्या है कॉन्स्टिलेशन है कॉन्स्टेशन क्या होते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स ग्रुप ऑफ स्टार्स तो जैसे ये होता है तो ये है उर्सा मेजर तो अब जैसे कॉन्स्टिलेशन है बहुत सारे स्टार्स है तो कई बार ये स्टार का हमें एक पैटर्न दिखता है तो ऐसा ही एक पैटर्न है बियर टाइप का जो दिख रहा है इसको बोलते हैं इस दिस मेजर तो ये कॉन्स्टलेशन है कॉन्स्टलेशन मतलब तारों का समूह नॉर्दर्न स्काई में दिखता है तो प्री हिस्ट्री ग्रेटर शी बियर इसको लेटिन नेम दिया गया है दिस इज द लेसर बियर एंड ग्रेटर बियर तो ये कॉन्स्टिलेशन है फिर जो एक साइन होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ये ऐसे अलग अलग सबका दिस उसके हिसाब से एक साइन डिफरेंट होते हैं ओके सो इस टाइप से ये कॉन्स्टिलेशन होते हैं नासा का एक नया स्पेस टेलीस्कोप है तो सेल्फी ऑफ इट्स जाइन गोल्ड मिरर यहाँ पे लेने का कोशिश किया अब नासा भी अगेन क्या करता है नासा का भी प्राइमरी ये है स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड ऑल एक्टिविटी देखना टेलीस्कोप इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अभी हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप कुछ टाइम पहले पढ़ा था जेम्स वेब टेलीस्कोप जिससे जो स्पेस एक्सप्लोरेशन है उस उसपे बहुत स्पीड आएगा हमारा बिकॉज इट इज वेरी वेरी बेटर एंड एफिशिएंट देन अर्लियर टेलीस्कोप्स पहले एक जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप था ये अब डेटेड भी हो गया था एज्ड भी हो गया था हैव अ लुक एट नोट्स हमने जेम्स वेब में बहुत अच्छा एक इन्फोग्राफिक भी देखा है मैंने उसे टेलीग्राम पर शेयर भी किया है लुक सो दिस इज दिस फर्स्ट स्टार फाइंड किया है उर्सा मेजर में अब ये एक मेटा मटेरियल है दैट कैन मेक यूज ऑफ ऑरिगामी टू रिड्यूस शॉक ये क्या होता है जैपेज एक आर्ट फॉर्म होता है पेपर से डिफरेंट डिफरेंट शेप साइज बनाते हैं विच इज दिस फोल्डिंग ऑफ लाइक एग्जिस्टिंग मटेरियल ऑफ चॉइस तो ये जैपेज आर्ट फॉर्म होता है इसी के थ्रू हमने एक मेटा मटेरियल इसी कॉन्सेप्ट हमने एक मेटा मटेरियल बनाया कि क्या होता है जैसे एक्सीडेंट हुआ एक्सीडेंट पे अगर जो कार का फ्रंट है वहां कोई ऐसा मटेरियल लगा हुआ है कि जो शॉक को एब्जॉर्ब कर ले जोर से शॉक लगा उसको एब्जॉर्ब कर ले तो उससे क्या होगा जो पैसेंजर इनसाइड द व्हीकल है उन पे डैमेज कम आएगा तो हम कोशिश कर रहे हैं ऐसा मटेरियल बनाने की जो शॉक एब्ज़ॉर्बर की तरह काम करे रिड्यूस करे वो शॉक को तो इसीलिए लिए आई के कुछ स्टूडेंट्स एंड रिसर्चर्स ने यहाँ पे वर्क किया और ऐसा फाइंडिंग फाइंड find किया है मेटा मटेरियल तो दिस इज इंपॉर्टेंट जैसे सेंडविच फेंडर फेंडर क्या होता है कार के आगे जैसे होता है तो इससे द पॉइंट इज दॉक एब्सॉर्ब करे हम जब एक्सीडेंट्स हो तो इससे क्या होगा डैमेज भी कंट्रोल हो पाएगा लाइफ भी हम सेव कर पाएंगे तो ये टूटता नहीं है क्रम्बल नहीं होता है ये शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है अब फिजिक्स में एक कॉन्सेप्ट होता है पॉइजन रेशियो ये क्या होता है कि जब जैसे अपन कंप्रेस कर रहे हैं किसी भी एक मटेरियल का एक शेप है साइज है उस पर अगर फोर्स लग रहा है उसको अपन कंप्रेस कर रहे हैं तो वो डिस्टॉर्ट होता है शेप डिस्टॉर्ट होता है उसका अब डिस्टॉर्ट होने का क्या हो सकता है या तो परपेंडिकुलर हो रहा है या लेटरल हो रहा है डिपेंड्स तो पॉइजन रेशियो क्या होता है रेशियो बिटवीन द डिफॉर्मेशन शेप बदला क्योंकि उस पर फोर्स लगा था एंड द डिफॉर्मेशन इन अ डायरेक्शन लेटरल टू द फोर्स इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो द रेशियो बिटवीन द डिफॉर्मेशन अलोंग द फोर्स जैसे ये एक बॉडी है फोर्स यहां से लगा है ना तो इस डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है और ये लेटरल डायरेक्शन में जो डिफॉर्मेशन हो रहा है उसका रेशियो पॉइजन रेशियो है रेशियो बिटवीन द डिफॉर्मेशन अलोंग द फोर्स फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है एंड डिफॉर्मेशन इन अ डायरेक्शन लेटरल टू द फोर्स इज कॉल्ड पॉइजन रेशियो देखो मैं इसको इस डायग्राम के थ्रू बताता हूं जैसे ये एक बॉडी है है ना इस बॉडी में अपन ऐसे लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में ऐसे इसको स्ट्रेच कर रहे हैं फोर्स ऐसे लग रहा है लेटरल डायरेक्शन में जितना लग रहा है डिफॉर्मेशन तो एक डिफॉर्मेशन ऐसा हुआ दिस डायरेक्शन अलोंग द फोर्स दूसरा इस डायरेक्शन में लेटरल डायरेक्शन में हुआ इन दोनों का रेशो ही डिफॉर्मेशन का पॉइजन रेशो है तो हम ऐसा मटेरियल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि ऑक्जेटिक्स ये क्या काम करेंगे कि जैसे जो स्पोर्ट्समैन भी होते हैं उनके स्पोर्ट्स के जो शू का सोल होता है यहाँ अगर वो तेजी से रन कर रहे हैं तो उसमें जर्क नहीं लगे जो शॉक है उसको एब्जॉर्ब करे तो वी आर ट्राइंग टू तो प्रिपेयर मटेरियल सिमिलर टू तो दिस ऑक्जैटिक्स सो दैट जो कार का इम्पैक्ट है सडन जो शॉक है उसको हम मिनिमाइज कर पाए और इसके लिए जो पेपर फोल्डिंग टेक्निक होता है जैपेज आर्ट फॉर्म का उसका हम कॉन्सेप्ट यूज़ करके ऐसे मटेरियल्स को अरेंज करेंगे और ये बन रहा है दिस मेटा मटेरियल मेटा मटेरियल शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा ओके मॉर्फ सेल यहाँ पे बना रहे सो दिस इज मटेरियल रिड्यूस स्ट्रॉक ऑरेंजेस ऑफ इंडिया एक होता है मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट मेडिटेरेनियन क्लाइमेट में सिट्रस फ्रूट्स मिलते हैं सिट्रस फ्रूट्स हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं इम्यूनिटी बूस्टर होते हैं इंडिया में भी ऑरेंजेस मिलते हैं ऑरेंज कैपिटल किसे बोलते हैं ऑरेंज सबसे ज्यादा इंडिया में कहा मिलता है ऑरेंजेस तो वाइल्ड ऑरेंजेस ऑफ इंडिया इसमें इन्होंने हिस्ट्री ट्रेस किया है कि इंडिया में ऑरेंज फैमिली जैसे लाइम्स लाइम्स लेमन सिट्रस फैमिली एंड ऑरेंजेस जो है ये कैसे इवॉल्व हुआ सिट्रस दिस मैगजिमा इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट इसकी स्पीशीज ऐसे स्प्रेड हुआ सो दिस टाइप दिस सिट्रस फ्रूट है जो स्प्रेड हुआ ओके द वाइल्ड ऑरेंजेस ऑफ इंडिया ये आर्थोपोड्स हैं ब्रीदिंग सिस्टम इवॉल्व ये भी एक ग्रुप ऑफ एनिमल होता है जिसमें जैसे स्पाइडर्स हुआ वुड लाइस हुआ ये सारे एनिमल किंगडम का ये एक फाइला है तो इस तरीके से ये इवॉल्व हुए अराउंड 520 मिलियन इयर्स अगो डायनासोर के टाइम पे और इंसेक्ट्स वगैरह इन पे गिल्स जो हैं एक्चुअली शुरुआत में हम सब जो अगर बायोलॉजी पढ़ते हैं तो यूनीसेलुलर मल्टी सेलुलर पहले हम सारे फिशेज होते थे फिर हम लैंड पे आए मैमल्स बने फिर हमारे लंग्स डेवलप हो गए और इस तरीके से इवोल्यूशन हुआ ग्रेजुअल तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस हो गई इवोल्यूशन की तो और उसी के कारण ये डिफरेंट जो एनिमल किंगडम है डिफरेंट यहाँ पे स्पीशीज डेवलप हुई अब ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए आई ऑन डेफिसिट डेफिसिट क्या होता है आमदनी और खर्चे के बीच का डिफरेंस तो फिजिकल डेफिसिट मतलब साल भर की आमदनी खर्चे का डिफरेंस ये डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए बिकॉज डिफरेंस जो भी होता है उसके लिए हमें लेना पड़ता है लोन डिफरेंस ज्यादा होगा लोन ज्यादा होगा लोन इज नॉट राइट तो आई ऑन डेफिसिट सेंटर ने बोला अभी कि फिस्कल डेफिसिट कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं बट अगर फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा होता है तो रेटिंग एजेंसीज क्या करती है फिस्कल डेफिसिट ज्यादा होता है तो वो रेटिंग्स ख़राब हो जाती है कि ये कंट्री उधार तले दबी हुई है लाइक like दैट तो रेटिंग एजेंसीज़ ने इंडिया का जो इन्वेस्टमेंट है उस सब का जो आउटलुक है उधर कंसर्नस रेज किए बिकॉज ऑफ फिजिकल डेफिसिट अब इंडिया ने कहा आप इंडिया का फिजिकल डेफिसिट देख रहे हो लुकेट यूके के लुकेट जापान लुकेट यूएसए उनका तो हमसे भी ज़्यादा वर्स है तो जो रेटिंग एजेंसीज हैं वो डिफ़रेंशियल ट्रीटमेंट कर रही है यूनियन बजट है गवर्नमेंट ने रैंप अप किया कैपिटल स्पेंडिंग प्लान कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ेगा थर्टी फाइव परसेंट तक तो इससे खर्चा ज़्यादा होगा खर्चा इसलिए कर रहे हैं जीडीपी को रिवाइव करने के लिए बट इससे क्या होगा फिस्कल डेफिसिट इम्पैक्ट होगा एम्बिशियस जो बोरोविंग प्लान है टारगेट टू रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट लेवल टू 6.4 परसेंट बोरो करना पड़ेगा फिर हमें उसके लिए तो इसके लिए फिजिकल डेफिसिट 6.4 परसेंट स्पेंडिंग प्लान है 2.9 परसेंट ऑफ द जीडीपी टू रिवाइव द इकोनॉमी और बोरोविंग प्लान है फिजिकल डेफिसिट 6.4 परसेंट अब रेटिंग एजेंसीज यहाँ पे दिस डाउट्स रेज कर रही है पैंडेमिक हुआ 2020-21 का हुआ इनकम का फॉल हुआ कोविड लॉकडाउन हुआ स्पेंडिंग बढ़ बढ़ गया खर्चे गए हेल्थ केयर वेलफेयर एक्सेट्रा में सो डेफिसिट ऑलरेडी हमारा खराब हो गया जो फिफ्टीन फाइनेंस कमीशन थी इसने इस बात का संज्ञान लिया कि फिजिकल डेफिसिट तो वर्जन हो रहा है बट फिर भी लेटेस्ट्राई की साढ़े पांच प्रतिशत तक इसे रखा जाए देन बजट का यहाँ पे टारगेट हुआ कि 25-26 तक हमारे पास ये फिगर्स अचीव कर पाएंगे अगर क्योंकि रिकवरी भी पहले हो रही थी फिर ओमिक्रॉन आ गया तो स्लो रिकवरी सिनेरियो है बट जो डेफिसिट लेवल है विल ट्राई टू अचीव कोशिश हमेशा ये होती है फिजिकल डेफिसिट टारगेटिंग में कि बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं हो हम उसको कंट्रोल करें प्लस एट द सेम टाइम जो इनकम है उसको हम रेज करने की कोशिश करें ताकि ये जो मिसमैच है ये दूर हो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज़ ने बजट के बारे में बताया कि सी मीडियम टर्म डेफिसिट टारगेट अनडिफाइंड है नाइन्टी वन परसेंट ऑफ द जीडीपी तक ये डेट इंक्रीज़ हो सकता है अब इसमें फिच रेटिंग हुआ इन्होंने बी नेगेटिव हमें इन्वेस्टमेंट ग्रेड रेटिंग दिया ये क्या होता है रेटिंग ऐसा होता है जिससे यू आर अं यू आर अ इन्वेस्टर आपको कहीं इन्वेस्ट करना है बट आप कैसे जानोगे कि वो करेक्ट है स्टॉक्स करेक्ट है या फिर वो कंट्री करेक्ट है तो रेटिंग एजेंसीज इस टाइप का आपको रेटिंग्स देती है कि जैसे बी नेगेटिव है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट करना बहुत फ़ायदा नहीं है बट नुकसान भी नहीं है लाइक दैट इस टाइप से ऐसे रेटिंग्स होती है जिसको देख के इन्वेस्टमेंट आता है अब बिकॉज़ ये जो रेटिंग्स हैं वो इन्वेस्टमेंट को इम्पैक्ट करती है और हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए सो दैट इज़ वाई वी आर वेरी कंसर्न कि हमें क्या रेटिंग मिली गई है तो बजट जो है उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स रेवेन्यू जनरेशन के आइडियाज़ भी होने चाहिए रिफॉर्म्स भी होने चाहिए ताकि इनकम बढ़े और अननेसेसरी एक्सपेंडिचर भी कट हो ताकि जो फिजिकल डेफिसिट है वो मीट हो पाए तो ये टारगेट्स हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार बढ़ रहा है फिर फिच ने भी मूडी ने ये सारी रेटिंग एजेंसीज हैं इन्होंने यही बताया कि क्लैरिटी और चाहिए डिटेल्स और चाहिए ताकि रीड इन बिटवीन द लाइंस हो पाए गवर्नमेंट का दिस जो अनाउंसमेंट है उसमें अब डेफिसिट साढ़े चार प्रतिशत का 2025-26 में चाहिए हमें ओके okay? बजट में भी इससे रिलेटेड बात हुआ ग्रोथ किस लेवल पे रिकवरी होगा वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट अवर डेट टू जी डी पी रेशियो इज फार लोअर देन यू एस जैपन एंड अदर हाईली रेटेड कंट्री इन यूरोप ये बात फिर इंडिया ने ऑब्जेक्शन उठाया मिस्टर तरुण बजाज ने भी कहा तो ये जो रेटिंग एजेंसीज है अनफेयर ट्रीटमेंट दे रही है इंडिया को और प्लस हमारी ग्रोथ भी फास्टर देन दीज इकोनोमीज है सो इनको थोड़ा लीडियंट होना चाहिए हमारे कॉन्टेक्सट में देन इंडिपेंडेंट इकोनमिस्ट का अगर हम बात बताएं तो ये बहुत अच्छा पैराग्राफ है यहाँ लिखा हुआ है कि जो ये रेशियो है ना डेट टू टैक्सेस रेशियो ज्यादा अप्रोप्रिएट होना चाहिए डेट उधार और कितना टैक्स कलेक्ट हो रहा है डेट टू जीडीपी ने डेट टू टैक्स रेशियो ज्यादा अच्छे से बताएगा इकोनॉमी की स्टेटस को डेट टू टैक्सेस और इसीलिए हमें टैक्स कॉम्पलायंस भी बढ़ाना है हमें फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी करना चाहिए अब क्या है कि इंटरेस्ट पेमेंट दूसरा यार्ड स्टेक होना चाहिए डेट लेवल का जिससे हम सौ रुपए कमाते हैं ना तो उसमें पैंतालीस रुपये तो हमें जो पुराना अपन ने उधार लिया है उसको चुकाने में लग जाते हैं तो विच इज़ नॉट गुड फोर्टी फाइव परसेंट ऑफ सेंटर्स रेवेन्यू रिसीट जो है वो केवल उधार चुकाने में चला गया तो नॉट राइट right. इससे क्या हो रहा है ये अपन अनस्टेबलाइज अनसस्टेनेबल बना रहे हैं चीज़ों को जो फ्यूचर जनरेशन हमारा आएगी वो डेट तले दबी होगी सो दिस इज़ नॉट राइट ये चीज़ें यहाँ पर बताया

करेक्ट नहीं होते हैं और ये अननेसेसरी फ्यूल करते हैं कॉन्ट्रोवर्सी को अननेसेसरी यहाँ पे हमें फ्यूल नहीं करना चाहिए यहाँ जो मैच्योर स्टैंड होता है वो ये होता है लेट अस वेट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ये सब क्या बातें बता रही है ये जो होता है इस चीज़ से हमें फिर व्यू पॉइंट डेवलप करना चाहिए एंड लेट दस जस्ट वेट टू सेटल दिस न्यूज सेटल दिस न्यूज पर जो वर्डिक्ट आ रहा है उसको देखो इससे अननेसेसरी रिपीटिशन से भी बचते हैं अननेसेसरी हम कॉन्ट्रोवर्सी को फ्यूल भी नहीं करते हैं। अब बात करें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तो इंडिया एक कंट्री है जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है तो द पॉइंट इज कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉज क्या बोलते हैं आर्टिकल 25 क्लियरली बोलता है इट इज़ द डिनाइल डिनाइल ऑफ एंट्री आर्टिकल 25 के अगेंस्ट है या नहीं आर्टिकल ट्वेंटी वन ए में हर एक को राइट टू एजुकेशन दिया हुआ है स्टूडेंट को आर्टिकल नाइनटीन वन ए में लिखा है राइटली राइट टू फ्रीली प्रैक्टिस एंड प्रोफेस देयर फेथ अंदर आर्टिकल ट्वेंटी अब ये चीज भी हमें पता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस एंड प्रोफेस जो है प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन ये ऑल दो दिया है आर्टिकल ट्वेंटी फाइव में बट दिस इज सब्जेक्टेड टू पब्लिक ऑर्डर मोरालिटी एंड हेल्थ लॉ इसको रेगुलेट करने का आ सकता है इकोनॉमिक फाइनेंशियल पॉलिटिकल सेक्युलर एक्टिविटी का सोशल वेलफेयर एंड रिफॉर्म का भी सो द पॉइंट इज़ यहाँ बेसिकली जो डिबेट आ जाता है वो आता है एक तो प्रैक्टिस रिलीजियस प्रैक्टिसज दूसरा मॉडर्न फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड कॉन्स्टिट्यूशन का भी एट टाइम्स जो रिलीजियस प्रैक्टिसज हैं और कॉन्स्टिट्यूशन है इन दोनों में कॉन्फ्लिक भी होता है ये चीज़ हमने पहले भी देखा था जैसे हमारे यहाँ आर्टिकल में लिखा हुआ है कि हर किसी को हर जगह का एक्सेस मिलेगा कोई कहीं भी जा सकता है बट कई बार जैसे हमने देखा मॉस्क में विमेन एंट्री टेम्पल में विमेन एंट्री यहाँ डिस्क्रिमिनेशन हुआ तो लास्ट ईयर 2020 में भी इससे रिलेटेड एक काफ़ी न्यूज़ आ रहा था बिफोर कोविड कोविड स्टार्ट ही हुआ था तब एक फ़ाइव जजेस का बेंच बनाने की बात थी जो डिस्कस करती ऑल सब मैटर्स को ऑल सच मैटर्स को कि कॉन्स्टिट्यूशन और रिलीजन इन दोनों के बीच में अगर क्लैश होगा तो किसको हमें सुप्रीम मेसी देनी चाहिए ये सब चीजों से रिलेटेड एक डिबेट डिस्कशन होना था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कोविड के कारण वो डिले हो गया बट द पॉइंट इज ये जो चीजें हैं इसमें बड़े मैच्योरिटी के साथ इसको हैंडल करना जरूरी है तो लेटस सी अभी ये फिर मैटर कोर्ट के पास है कोर्ट का विजडम कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है we'll अभी एक नई टाइप की वैक्सीनेशन है वैक्सीनेशन हमारा पुराना हिस्ट्री रहा है पोलियो वैक्सीनेशन आया फिर ग्रेजुअली एडवांसमेंट किया हमने वैक्सीनेशन क्या होता है ये हमारी बॉडी को एक मैच प्रैक्टिस करा देती है मैच प्रैक्टिस करा देती है कि जब एक्चुअल में अटैक होगा तो हम रेडी हैं उस पैथोजन के लिए उस वायरस के लिए बॉडी का इम्यून सिस्टम रेडी है तो वैक्सीनेशन इम्यून सिस्टम की मैच प्रैक्टिस कराती है उसको प्रिपेयर करा देती है अब इम्यून सिस्टम की प्रिपरेशन कैसे कराए इसके बहुत सारे तरीके होते हैं एक होता है डेड या इनएक्टिवेटेड वायरस जो है वो बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाए बॉडी उस डेड इनएक्टिवेटेड वायरस को देख के समझ जाएगी ये वायरस कैसा है और अकॉर्डिंगली इम्यून रिस्पॉन्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगी जब एक्चुअल वायरस का अटैक होगा तो बॉडी इज़ रेडी वो तुरंत आइडेंटिफाई करके न्यूट्रलाइज कर देगी ये ट्रेडिशनल मेथड है तो जैसे कोवैक्सिन है वो डेड और इनएक्टिवेटेड वायरस मेथड से बनी है फिर अब ये बात आती है कि हम वायरस को भी इंट्रोड्यूस क्यों कराएं बॉडी में बिकॉज रिस्क तो हमेशा रहती है तो हम वायरस को भी क्यों इंट्रोड्यूस कराएं क्यों ना हम ऐसा मॉडिफिकेशन करें कि जैसे एडिनो वायरस है चिमपेंजी का और जो वायरस के जो स्पाइक प्रोटीन है तो हम जो चिमपेंजी का जो हमारी बॉडी के लिए नॉन हार्मफुल है उस वायरस में ऐसे स्पाइक प्रोटीन चेंजेस करके इंट्रोड्यूजूज़ कराएं बजाय एक्चुअल वायरस के ये एक मॉडिफाइड दूसरा वायरस टाइप स्पाइक प्रोटीन इंट्रोड्यूस कराए तो बॉडी को एक्चुअल वायरस का प्रैक्टिस हो जाए ये टेक्निक होती है एस्ट्राजेनेका स्पुतनिक फाइव का इन्होंने पोर्शन लिया स्पाइक प्रोटीन का कोरोना वायरस की तरह उसको टैम्पलेट बनाया उसका स्पाइक प्रोटीन का और उसको इस दूसरे जीन कोड इनएक्टिवेटेड वायरस चिम्पेंजी वाला एडीनो वायरस के थ्रू सेंड किया तो हमारी बॉडी में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बट हम रेडी भी हो गए तो ये नेक्स्ट स्टेप हो गया कि एक्चुअल इनएक्टिवेटेड वायरस की जगह आप उसका डमी सेंड कर रहे हो ये नेक्स्ट स्टेज हो गया अब थर्ड स्टेज आती है कि इसके जो स्पाइक प्रोटीन है अगर इसमें वेरिएशन आ गया जो नया कोई जैसे अभी वेरिएंट आया था उसमें स्पाइक प्रोटीन के बड़े वेरिएशन थे तो इस टाइप की वैक्सीनेशन उस वेरिएशन को डिटेक्ट नहीं कर पाएगी तो ये उतना इफेक्टिव भी नहीं हो पाएगी तो वाई नॉट इवॉल्व सम अदर टेक्निक दूसरा वायरस भी इंट्रोड्यूस नहीं, चिंपेंजी वाला भी नहीं कुछ कर रहे दे। हैं दें तो फिर आती है एक्चुअली ये, ये जो वैक्सीनेशन सिस्टम ट्रिगर करने की कोशिश करती है तो एम आर एन ए में क्या होता है ए पीस ऑफ डी एन ए मस्ट बी कन्वर्टेड इन टू आर एन ए टू बी एबल टू मैन्युफैक्चर द स्पाइक प्रोटीन और एम आर एन ए वैक्सीनेशन में ये डायरेक्ट जो उसका इंफॉर्मेशन कोड है वो प्रोवाइड किया जा रहा है ये डायरेक्ट अप्रोच है गेटिंग सेल टू प्रोड्यूस द नेसेसरी प्रोटीन्स विदाउट बाईपासिंग दिस वायरस का कैरियर एंड ऑल डायरेक्ट वहाँ पे एम आर एन ए से जो मैसेंजर्स हैं वो डायरेक्टली बॉडी को बता रहे हैं ये ये काम करना है तो इससे क्या हुआ जो अननेसेसरी जो रास्ता था वो अपन ने बाईपास कर लिया और डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन हम वहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं ये जो टेक्नोलॉजी है ये ज़्यादा रोबस्ट होती है इससे इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स भी ज़्यादा बेटर आना चाहिए और वाइड रेंज ऑफ दिस म्यूटेशन के अगेंस्ट भी ये वर्क करना चाहिए प्लस इस टेक्निक से जो वैक्सीनेशन है उसको क्विकली इवॉल्व भी किया जा सकता है जैसे वायरस का म्यूटेशन चेंज हुआ आप आर के कोड्स बदल दो तो वैक्सीन जो नया म्यूटेटेड वायरस है उसके लिए भी इफेक्टिव हो जाएगी तो नया वैक्सीनेशन म्यूटेशन के लिए बनाना ईजी हो जाता है एम वैक्सीनेशन में तभी फाइजर एंड बायोटेक का आपने देखा होगा इन्होंने तुरंत बता दिया कि ओमिक्रॉन का नया वैक्सीनेशन आ गया वाई बिकॉज इट इट इज़ ई ईजी एम आर टेक्निक में इट इज़ ईजी डेड इनएक्टिवेटेड वायरस में इट इज़ नॉट दैट ईजी फिर से एक टाइम लगेगा पूरा उसको इवॉल्व करने का तो ये कुछ बेनिफिट्स होते हैं एम आर एन ए में बट प्रॉब्लम ये है एम आर एन ए अभी भी बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें नहीं पता है तो ट्रेडिशनल और जो सेफ है जो इतने टाइम से हम यूज़ कर रहे हैं वो से कोवैक्सिन वाला टेक्नोलॉजी है डेड इनएक्टिवेटेड वायरस वाला फिर एक हुआ दिस ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका और ये है एमआरएनए अब बात ये चल रही है एमआरएनए वैक्सीनेशन को बहुत कम टेम्परेचर पे रखना पड़ता है केयर ज़्यादा एडमिनिस्टर करना पड़ता है एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे तो अब एम आर एन ए वैक्सीनेशन एक इंडियन कंपनी भी बनाने की कोशिश कर रही है ताकि सस्ती वैक्सीनेशन मिल पाए और इसमें कुछ चेंजेस इन्होंने किए हैं कि कम ज्यादा टेम्परेचर पे भी ये स्टेबल रहेगा तो इंडिया में एक्चुअली फ्रीजर का बड़ा प्रॉब्लम है लॉजिस्टिक्स का तो नॉर्मल वैक्सीनेशन की तरह ये रोल आउट हो पाएगा अभी भी ये अर्ली न्यूज है लेट अस सी तो ये तीन आर्टिकल्स ये हो गए ऑफ कू एंड पैंडमिक ट्रकर्स इन द आर्म ओ एन जी सी मल्टीफोल्ड जंप हुआ मिस्टर राहुल बजाज एट टू व्हीलर इंडस्ट्री हमारा बजाज देन स्टॉक्स सफिशियंट टू बूस्ट सप्लाई नॉन पॉवर सेक्टर कोल इंडिया ने बताया अब अभी बीच में बहुत शॉर्टेज हो गया था बट अभी सफिशियंट स्टॉक्स हैं देन कल ऑप्शन हुआ क्रिकेटर्स का सिंकिंग सुंदरबन सुंदरबन एक डेल्टा है डेल्टा क्या होता है रिवर है गंगा आ रही है गंगा पूरा अपना यहाँ पे सेडिमेंट जो भी इधर से लेके आ रही है गैंगेटिक प्लेन से वो यहाँ डिपॉजिट करेगी और फिर एक नया लैंडफॉम बन जाता है दैट इज विच इज़ कॉल्ड डेल्टा डेल्टा डिपॉजिट्स के कारण अब बिकॉज ये बहुत फ़र्टाइल लैंड आ रही है फ़र्टाइल सॉइल आ रही है तो डेल्टा बड़े फर्टिलिटी बहुत हाई होती है प्रॉब्लम क्या होता है सेडिमेंट्स कम होने लग गए सी का एनक्रोचमेंट बढ़ने लग गया तो सुंदरबुनस जो है वो सिंक हो रहे हैं फ्लड्स आ रहे हैं इंटेंस स्टॉम आ रहा है टोरेंशल रेन आ रहा है तो यहाँ पर थ्रेट आ रहा है इस पूरे सुंदरबुन डेल्टा को ये जो सुंदरबन डेल्टा है इंडिया बांग्लादेश शेयर करता है हमारे पास स्मॉलर पार्ट है बांग्लादेश के पास दिस टेन थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर का है है ना फोर थाउजेंड स्क्वायर किलोमीटर ऑफ टोटल टेन थाउजेंड ओन बाय इंडिया है बाकी बांग्लादेश के पास है क्लाइमेटिक क्राइसिस हो रहा है यहाँ पे साइक्लोन्स वगैरह तो मैनग्रोव्स जो होते हैं ना ये एक सेफ करते हैं डेल्टा को भी और साइक्लोन से भी मल्टीपल बेनिफिट्स है मैनग्रोव्स का बट मैनग्रोवस भी खत्म हो रहे हैं तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है वो डैमेज हो रहा है वॉयेंट यहाँ पे वाटर स्ट्राइक्स भी हो रहा है वाटर लेवल राइज हो रहा है लैंड क्वालिटी कल्टिवेबल लैंड क्वालिटी डिग्रेड हो रहा है सेलिनाइजेशन हो रहा है क्रॉप इल्ड कम हो रहा है फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर का क्राइसिस हो रहा है फिर अम्फन और या साइक्लोन आए जॉबलेसनेस साइक्लोन्स कोविड नाइन्टीन लॉकडाउन तो यहाँ भी काफ़ी डिफ़िकल्टी फेस हो रही है इस पूरे जोन में अब अगेन जो डेल्टा है और जो फॉरेस्ट हैं जो मैनग्रूव्स हैं इसको सेफ करना चाहिए बिकॉज ये एक इम्पॉर्टेंट शील्ड है बैरियर है

हाउस का डिस्ट्रक्शन हुआ साइक्लोन अम्पन से क्रैब्स को कैच कर रहे हैं हाई टाइड्स में देन क्यू अप है दिस रिलीफ मटेरियल के लिए स्कूल्स में प्रॉब्लम हो रही है सागर आइलैंड जो है वो भी अर्लियर नो लॉन्गर हैबिटेबल है तो पूरा सुंदरबन में क्लाइमेट चेंज के कारण दिस डिस्ट्रक्शन हो रहे हैं ऑलराइट सो दिस इज दिस सुंदरबन डेल्टा मीन ये एक और चीज़ है कल्चर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो होती है ये इंपॉर्टेंट है अक्सर सवाल पूछे गए यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का है ये मैंने अभी टेलीग्राम पे शेयर किया है इसको एक बार देखना है इसमें दो इवेंट्स इम्पोर्टेंट है धोलावीरा 2021 और काकटिया रुद्रेश्वर रामप्पा टेम्पल तेलंगाना 2021 और मिक्स्ड साइट है कंचन जोंगा यूनेस्को है लुक एट दिस नोट ओके सो दिस इज 13th of February 2022. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.